देरी है तो उसमें सब लोगों को सहयोग करके बताना चाहिए कि यार अगर हमें प्रॉब्लम है। मेरे यहाँ तो एक साल हो गए पानी नहीं आया अपने घर की, ले जाओ और हेलो दोस्तों नमस्कार। इस समय कपनोल गांव में है, बरसात के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या, और एक मीटिंग लगा रखे ग्रामीणों ने यहाँ पे अपना जल जीवन मिशन के तहत जो भी सरकार की जो स्कीमें बनी उनमें कहीं दूर दूर तक ग्रामीणों की समस्या का हल नहीं दिख रहा। आप देखेंगे यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में ग्रामीण खड़े हैं। जी अध्यक्ष जी, कैसे होगा ग्रामीणों का? हमारा कहना ये है जब सरकार पैसा दे रही है तो उसमें सब लोगों को सहयोग करके बताना चाहिए कि यार अगर हमें प्रॉब्लम है तो ठेकेदार को बताना चाहिए कि भाई हमें पानी नहीं है। सरकार पैसा काहे के लिए दे रही है जी? जल मिशन में करोड़ों का बजट दे रही है तो आप, ऐसा होता है कि ठेकेदार भी हमारे हैं, हम मानते हैं कि भाई वो काम कर रहे हैं, पानी पहुंचना चाहिए। अब बात बाकी तब आप लोग सब समझदार है क्या करना है कैसे करना है। नहीं अध्यक्ष जी, गंगा यम समस्या तो बहुत स्थिति खराब है कपनोल में। मेरे यहाँ तो एक साल हो गए पानी नहीं आया अपने घर की बात करूँ मैं पर्सनल हाउस, जहाँ पर जो भी दिक्कत है किसी को बताया, अपनी समस्या बताया, और मैं अभी दूसरे के घर में जाके किसी को हाथ जोड़ के उसके यहाँ आया, अभी विजयपाल चौहान के यहाँ आया अभी। जब ये इतनी बड़ी समस्या, आजकल बरसात आ रही है, इतनी बड़ी बरसात हर जगह आपदा आ रही है, कितने दिनों से बरसात हो रही है यहाँ पर, इतनी समस्या क्यों बनी हुई है मुझे? जी आप सरकार से, हमने कई बात सरकार के तो माध्यम से जो जल जीवन मिशन चले, यहाँ तो करोड़ों की योजना है, 8 करोड़ कपनोल गांव में खर्च हो चुका है। ये पता नहीं मुझे किस ढंग से ये पानी नहीं आ रहा है, क्या समस्या हो रही है, सभी को आपको अवगत, सबको आपको जानकारी इसके बारे में। 8 करोड़ रुपए कपनोल खर्च हो चुके हैं। मेरे यहाँ पिछले बार इलेक्शन आए थे श्रीनगर वाले इलेक्शन, उसने जब यहाँ की स्थिति देखी, मेरे को देखा पानी लाते हुए मंदिर से, उसने कहा यार कपनोल में ऐसी स्थिति क्या मेरे के सामने हो। उसने बोले यार मुझे दया आ रही है, उसकी साथ में उसकी मैडम भी थी, उन्होंने बोला हम नहीं नहाते यहाँ, अब तो आप इतने दूर से पानी ला रहे हैं, हम कैसे नहाएं यहाँ। जी पवार जी, तो इतना बड़ा बजट अगर दया है फिर उसके बाद उन्होंने नहीं नहाया तो ये बड़ी समस्या हमारी। जी पवार जी, इतना बड़ा बजट अगर सरकार ने एक गांव के लिए भेजा तो आप जिम्मेदार लोग हैं, क्या लगा सरकार ने ठेकेदारों की या दलालों की मिलीभगत से ये बजट को खाया गया, आपको क्या लग रहा है? ये तो मुझे नंबर एक बात ये है, जो हमारी जो मेन लाइन है जो रुपने से कपनों लानी थी उसमें थोड़ा विवाद है जंगलात के माध्यम से, लैंड ट्रांसफर का जो सिस्टम रुका हुआ उस चक्कर से, एक नंबर एक बात उसमें हमें अभी समय लग रहा है, उसके पता नहीं क्या कारण है क्यों उसकी स्वीकृति नहीं मिली, ये ठेकेदार जाने और प्रशासन जाने क्या जनता पार्टी के वरिष्ठ देता है। ग्रामीणों को पहले जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी भाई, जिसको अगर प्रॉब्लम हमको है तो हमें आगे जाके बोलना पड़ेगा ना कि हमें प्रॉब्लम दिक्कत है परेशानी है, तो उनका सहयोग करना, जो बोलने वाले हैं करने वाले हैं जाने वाले उनका सहयोग करना पड़ेगा। अब ये बोलने की वजह से पानी नहीं आएगा। धन्यवाद। आप जिस वीडियो को देख रहे हैं उत्तरकाशी के कपनोल गांव का है। कपनोल गांव में लगभग 3000 की जनसंख्या है और पानी के लिए बहुत तरस रहे हैं। पानी की समस्या आज की नहीं है, लगभग 10 सालों से कपनोल गांव पानी के लिए तरस जाता है। गर्मियां जैसे शुरू हो जाती है वहां के लोग पानी के अभाव में पलायन कर जाते हैं और इतने संकट उनके सामने खड़ा हो जाता है कि सरकार पानी का टैंकर तक वहाँ नहीं पहुँचा पाता है, जबकि कपनोल गाँव की हाइट जो 2200 मीटर की ऊँचाई पर है। पानी के कई स्रोत हैं, पानी की बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं भी कपनोल गांव में आ चुकी है, लेकिन यह योजना कहां बन रही है जिसका काय के लिए प्रतिनिधि, काय के लिए ठेकेदार, हाँ बजट खाने के लिए मतलब गांव को जो है वो पॉपुलेशन की वो सूची ले जाओ और समय उस समय क्यों जाते हैं ठेकेदार, उस समय क्यों पूरे जब चाहे तब सूची बना दे कारण कारण पता लगे पानी।
इनके जिए आते हैं पता नहीं कब आते हैं, हम तो सपने भी नहीं देखते इनके सपनों में, जैसे कि सुन लेते हैं एक साल बाद सुन लेते हैं गए बोल रहे हैं आप लोग मतलब वो आप लोग मतलब बता रहे पानी अपने से मतलब कुछ नहीं जाओ हमारे जाओ ये बात है नहीं किया हमने पैसे दिए हम लोगों ने पैसे दिए गांव के बारे में बताओ हमारा आओ यहां पर यहां कोई जनता किसे मुझे ऐसा पानी मिलेगा ऐसा तो नौकर दिया प्रसाद आप ये अपनी मर्जी से आए और मखने रुपए से आई वाले कर मुझे ऐसा हुए सरकार को वापस होना चाहिए बेटा मैं भी क्या रिकवरी होनी चाहिए बात कर रहा हूं मैं आपसे और क्या रिकवरी होनी चाहिए हमारे आगे हुआ यही तो है गांव का कोई एक आदमी गरीब आदमी अगर बोल सब अपने के मखने वो फिर वो क्या दिक्कत है क्योंकि उनके पास पैसा कम होता है रोज का रोज दे देते हैं वहां से दे देते हैं एक छोटी सी जानकारी बिल्कुल ग्रास रूट पे हमारे दोस्त जवाहर सिंह चौहान ने उपलब्ध करवाई है। और दरअसल कपनोल गांव की समस्या नहीं है, पूरे उत्तराखंड में यही समस्या है पेयजल को लेकर के। यह कब सुधरेगी यह तो समय के गर्त में है, लेकिन जल जीवन मिशन जैसी योजना प्रधानमंत्री की गांव-गांव में बन रही है, लेकिन यह इस योजना पर धब्बा लगाने के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो को लेकर के आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।